हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी एक्स टू में और वीवो वी 15 प्रो में। रियलमी की डिस्प्ले है 6.4 इंच की और वीवो की डिस्प्ले है 6.39 इंच की। दोनों फ़ोनों का रेजुलेशन सेम है, 1080x2340 पिक्सल है और दोनों फ़ोनों में ही सुपर मोड डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। रियलमी में रैम है 4 GB, 6 GB और 8 GB की और वीवो में रैम है 6 GB और 8 GB की। रियलमी की मेमोरी है 64 GB और 2.5 GB की और वीवो में मेमोरी 128 GB की। रियलमी का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है, 730G का है। सीपीयू है 2.2 GHz ऑक्टा कोर का और इसमें 8 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका जीपीयू है 618 का। और वीवो का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है, 675 का है। सीपीयू है 2.0 GHz ऑक्टा कोर का और इसमें 11 नैनोमीटर का फिनफैट और इसका जीपीयू है 612 का। आपको रियलमी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोनों का सेम है, एंड्रॉयड है 9.0 पाई का। रियलमी का बैक कैमरा क्वाड में है, 64 MP प्लस, 8 MP प्लस, 2 MP प्लस, 2 MP का है। और वीवो का बैक कैमरा ट्रिपल है, 48 MP प्लस, 8 MP प्लस, 5 MP का है। और रियलमी में आपको बढ़िया बैक कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा दोनों का सेम है, 32 MP का है। रियलमी की बैटरी है 4000 mAh की और वीवो की बैटरी है 37 mAh की और दोनों में नॉन रिमूवेबल बैटरी है। दोनों की बैटरी को आप निकाल नहीं सकते। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों फ़ोनों में दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी दोनों में ही है और LED फ्लैश लाइट भी दोनों में दी हुई है। और दोनों फ़ोनों में ही 2 SIM और 7 MasterCard का ऑप्शन भी दिया हुआ है और दोनों में कनेक्टिविटी 3G और 4G की है। रियलमी में कलर है वाइट, ब्लू और ग्रीन और वीवो में कलर है रेड और ब्लू। और रियलमी का वेट 182 ग्राम और वीवो का वेट 185 ग्राम और दोनों में वारंटी सेम है 1 साल की। रियलमी का चार्जर है 30 वाट का और वीवो का चार्जर है 18 वाट का। रियलमी में टाइप सी का सपोर्ट है और वीवो में माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट है और दोनों में ही 3.5 mm जैक दिया हुआ है। रियलमी का प्राइस है 4 GB और 64 GB का 16,999 रुपये और 6 GB और 28 GB का प्राइस है 18,999 रुपये और 8 GB और 128 GB का प्राइस है 19,999 रुपये। और वीवो का प्राइस है 6 GB और 128 GB का 19,999 रुपये और 8 GB और 128 GB का प्राइस है 23,999 रुपये। अगर इनके प्राइस घटेंगे या फिर बढ़ेंगे तो इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोगों को दोनों फ़ोन से कौन सा फ़ोन पसंद आया?